फॉर आर हिंदी ऑनलाइन क्लास. दिस इज़ अर हिंदी बुक क्लास वन, हिंदी पाठमाला भाग वन. टेक आउट योर पेज 15 चैप्टर 5. अपना बुक निकालिए, पेज नंबर 15, चैप्टर 5. आज हम पढ़ेंगे तीन वर्णों वाले शब्द. तो पहला शब्द है हमारा बतख. इधर आप देखिए तीन वर्ण हैं. कैसे? ब एक वर्ण है, ता एक वर्ण है, ख, तो तीन हुआ ना. तो तीन वर्णों वाले शब्द आज हम पढ़ेंगे, वो भी बिना मात्राओं के. तो पहला हमारा शब्द आता है बतख. ब ता, पहले हम पूरा ता लिखेंगे, फिर उसका आधा ता लिखेंगे, तो हम फिर खा, तो बन गया हमारा बतख. बतख मतलब डक. फिर आता है शहद, श ह द, ये भी तीन वर्ण हुआ ना, तो ये हो गया शहद. तड़क, त र क, तड़क. क ल श, कलश. च ट क, चटक. क म ल, कमल. म ग र, मगर. क र क, कड़क. त र ल, तरल. प ट क, पटक. स र क, सड़क. म ट र, मटर. भ र क, भड़क. क ल म, कलम. म ट क, मटक. अब अपने बुक में देखिए, बुक में भी वही दिया गया है. तो पहला शहद, तो हमने पहले शहद शहद पढ़ा है. उसी तरह जो पूरा जो वर्ड है, ब्रैकेट में जितना सारा वर्ड्स दिया गया है, आपको वो ऐसे ही पढ़ना है. ये सारे तीन अक्षर, तीन वर्णों के एक शब्द बना है. अब आप नीचे देखिए, इसे भी पढ़िए. अब नीचे देखिए, इसे भी पढ़िए. तो क्या लिखा है? गगन महल तक चल, शहद चक, बतख मत पकड़. इधर जितने सारे आप अक्षर देखेंगे, शब्द देखेंगे, सारे तीन अक्षर वाले हैं. डगर डगर चल, डगर डगर, ये तीन अक्षर हुआ, और चाल चल, ये दो अक्षर हुआ. तो हमने पिछले क्लास में दो अक्षर वाले शब्द पढ़े थे, अब इस क्लास में तीन अक्षर वाले पढ़ रहे हैं. फिर आया है उधर मत चल, अब ठहर. तो ये हो गया हमारा तीन अक्षरों वाला शब्द. फिर अब आइए पेज 18. अब आप ऊपर देखिए, अभ्यास में क्या दिया गया है. चित्र पहचान कर वाक्य पूरा कीजिए. इधर एक चित्र दिया गया है, बहुत सारे चित्र दिए गए हैं, पिक्चर्स दिए गए हैं. हमें उन लोग को पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करके इसमें लिखना है कौन सा पिक्चर क्या है. तो पहला आता है नंबर क, अमन डैश चक. तो ये किस चीज़ का पिक्चर दिया गया है? शहद का, हनी. तो अमन शहद चक. तो हमारा शहद तीन अक्षरों वाला एक शब्द है, तो ये इधर हो गया शहद. फिर आता है ख, डैश मत पकड़. इधर किस चीज़ का पिक्चर दिया गया है चित्र? बतख. तो हम इधर लिखेंगे बतख, बतख मत पकड़. फिर ग है, छत पर डैश रख. अब ये किस चीज़ का चित्र है? कलश. तो होगा छत पर कलश रख. फिर आता है घ, डैश उधर रख. तो ये किस चीज़ का चित्र है, पिक्चर है? पेन का. तो पेन को हम लोग इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं कलम. तो कलम उधर रख. फिर लास्ट वन, नरम नरम डैश चक. पिक्चर है हमारा मटर. तो नरम नरम मटर चक. तो ये जितने सारे पिक्चर्स दिए गए हैं, आपको आइडेंटिफाई करके उसका इधर नाम लिखना है.
फिर आप नीचे देखिए नंबर टू, चित्रों को उनके नाम से मिलाइए। तो इधर कुछ चित्र दिए गए हैं, इधर उनके नाम दिए गए हैं, तो आपको उन लोगों को मैच करना है कौन सा चित्र किस नाम पे है। तो पहला आपका चित्र है, ये हुआ हमारा, ये कौन सा था, ये दोनों सेम है, तो ये बतख है। तो अब आप देखिए इधर बतख कहाँ पर है, तो इधर आ गया बतख। तो हमें इसको मैच करना है, पेंसिल से आप ऐसे मैच कीजिए। तो ये हो गया हमारा बतख। फिर ये है महल, तो आपको महल कहाँ पर दिखेगा, नीचे एकदम। तो अब इसको पेंसिल से मार्क कीजिए। फिर आता है कलश, कलश इधर है, कलशा एकदम ऊपर की तरफ कलश आता है, तो आप कलश को मैच कीजिए। फिर इधर है क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, मगर, मगर मगरा मगर, तो अब मगर को भी मैच कीजिए। ये हो गया मगर मैच। फिर शहद, शहद कहाँ पर है, मगर के बिल्कुल नीचे शहद है, अब शहद को मैच कीजिए। और लास्ट में ये क्या है, कमल, तो कमल कम ल कमल। तो हो गया आपका मैच द फॉलोइंग। तो ये पिक्चर्स दिए गए हैं, उनके नाम हैं, आपको आइडेंटिफाई करके उनके साथ मैच करना है। फिर आप आइए पेज नंबर 19, इधर क्या है, इधर चार वर्णों वाले शब्द दोहराएं। अब तक हम लोग ने दो वर्णों वाले शब्द पढ़े, फिर तीन, अब चार वर्णों वाले हम शब्द पढ़ेंगे। तो पहला शब्द आपका आता है बरगद, बरगद, ये हुआ आपका चार अक्षरों वाला शब्द। तो हम लोग चार वर्णों वाले शब्द पढ़ेंगे। तो पहला है बरगद, ब र ग द, तो ब र ग द बरगद हुआ ना, चार अक्षर, चार वर्ण है, चार वर्ण मिलाकर एक अक्षर बन गया। तो पहला है बुक, आप अपनी बुक में देखिए बरगद, बरगद बरगद। और अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रही है इसे पढ़ने में, तो आप वर्ड को ब्रेक कर दीजिए ऐसे करके, बर बर गद गद बरगद, बर प्लस ग द गद, बन गया आपका बर ग द बरगद। आप एक बड़े वर्ड को, एक बड़े अक्षर को आप उसको दो भाग में भाग कीजिए, आपको इजीली स्पेलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आता है अजगर, अ ज ग र अजगर। फिर देखिए अ द र का अदरक, आपको उसी तरह ये सारे जितने सारे अक्षर हैं आपको उसी तरह ये भी पढ़ना है। फिर आप एकदम नीचे आइए, इसमें क्या है, इसमें भी पढ़िए टमटम पर चढ़, उपवन तक चल, पनघट तक चल, नटखट मत बन। इधर आपको चार अक्षर वाले शब्द मिलेंगे और दो अक्षर वाले शब्द मिलेंगे, वो भी बिना मात्राओं के। फिर आप पेज 20 आइए, पेज 20 अभ्यास देखिए। तो इधर दिया गया है पहला, चित्रों के नाम पूरा कीजिए। तो इधर कुछ चित्र दिए गए हैं, कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, और उसको आप, और कुछ अक्षर दिया गया है, आपको वो पूरा करना है। तो पहला अक्षर हमारा आता है, तो पहला ये किस चीज़ का चित्र है, कटहल। तो कटहल का पहले का दिया गया है, फिर ह दिया गया है, का है, गैप है, ह है, फिर गैप है, फिर क्या हुआ कटहल का स्पेलिंग, क ट ह ल कटहल। फिर आता है आपका दा है, गैप है, का है, ल। यह हो गया आपका किस चीज़ का पिक्चर है, दमकल, फायर ब्रिगेड।
तो फायर ब्रिगेड को दमकल कहते हैं। तो द म क ल दमकल। अब लास्ट वन किस चीज़ का पिक्चर है? वेल। वेल को हिंदी में क्या बोलते हैं? पनघट। तो पन पन घ टा घट पनघट। तो ये हुआ कटहल दमकल पनघट। फिर आप नीचे आइए, सही शब्द बनाइए। नंबर टू है आपका सही शब्द बनाइए। तो इधर आपको कुछ उल्टा करके कुछ अक्षर दिया गया है, आपको इसका सही शब्द बनाना है। तो पहला हमारा आता है, तो पहला है क त र स। तो ये कुछ हैपजेटली कोई कुछ वर्ड दिया गया है, आपको इसका सही एक वर्ड बनाना है। तो क त र स कुछ नहीं होता, पर इसका हमने सही एक शब्द बनाना है। तो वो क्या है? क है कस क, आपका आएगा क स क स कस र त रत कसरत क स र त। इधर वर्ड को हैपोजिटली दिया गया है, आपको सही चुनकर एक शब्द बनाना है। तो वो शब्द हमारा आता है कसरत। कसरत मतलब एक्सरसाइज। फिर आप नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है व न प उ। तो ये भी सेम है आपका, ये भी कोई वर्ड नहीं है, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, तो हमें इसका एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो वो मीनिंगफुल वर्ड होता है उ प व न उपवन। तो हो गया हमारा उपवन। फिर लास्ट में आता है आपका ल ख म ट। तो ये इसका भी हमें सेम बनाना है। तो इसका सेम मीनिंगफुल वर्ड आपका आपको आता है खटमल। ख खटा खट माला मल खटमल। फिर आप आइए नीचे की तरफ, नंबर तीन पढ़िए समझिए और लिखिए। तो इधर हमें पढ़कर ये भी फिलिंग द ब्लैंक्स की तरह है, इसको हमें पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करके इधर सही शब्द बना के लिखना है। तो ये किस चीज़ का पेड़ है? बरगद। तो ऊपर के बॉक्स में आपका ब आएगा, फिर र पहले से दिया गया है ग द बरगद। फिर आपके राइट साइड में देखिए शा दिया गया है, एक डैश है, बॉक्स खाली है, फिर द है। फिर ये इधर तीन अक्षर वाले शब्द बैठेंगे, इधर चार अक्षर वाले शब्द है, इधर तीन अक्षर वाले। तो पहला चार अक्षर वाला शब्द हुआ बरगद, फिर नीचे की तरफ ये तो तीन अक्षर वाला शब्द है वो है शहद। फिर आप इधर देखिए, इधर भी जो पिक्चर्स दिए गए हैं आपको इसको आइडेंटिफाई करके उसका नाम लिखना है। तो पहला वाला आपके लिए किया गया है, तो पहला वाला है नल, नाला नल। फिर ये आता है, पहला वाला आपको दिया गया है ब, तो ब सा बस। ये दूसरा है सड़क, सड़क का सड़क। फिर लास्ट है आपका कमल, क म ल कमल। तो इसी तरह आपका तीन वर्णों हमारा तीन वर्णों वाला शब्द भी हुआ, चार वर्णों वाला शब्द भी हुआ है। तो आप इसको एक बार आप इसको अच्छी तरह से एक बार पढ़ लेना, और जो भी वर्ड आपको कठिन लगे डिफ़िकल्ट लगे तो आप जस्ट वर्ड को ब्रेक कर लेना, दो भाग में आप ब्रेक कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड डू फॉलो आवर नेक्स्ट वीडियो।